बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस वीडियो क्लास के माध्यम से। आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज साथियों हम जो जानकारी लेने वाले हैं वो है टॉपर्स नोट्स, जो कि साथियों राजस्थान स्टेट PCS RA से संबंधित है। इसके अंदर साथियों हम राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रमुख जानकारी लेने वाले हैं और इस नोट्स में आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेंगे राजस्थान से संबंधित, वो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। ये आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें दिए गए हैं। इनका रिव्यू करने से पहले साथियों मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए, वो है टाइम मैनेजमेंट से संबंधित डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की एक बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड है। साथियों आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हो। अब साथियों इस पुस्तक का रिव्यू करने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि है आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्रा। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों। स्पेक्ट्रम जो कि आधुनिक भारत का इतिहास है, ये भी एक प्यारी और विश्वसनीय गाइड है साथियों। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इस पुस्तक का रिव्यू भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। राजस्थान के इतिहास से संबंधित साथियों ये है डॉक्टर हुकुमचंद जैन से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। राजस्थान का इतिहास ये है गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा राजस्थान का इतिहास। इस पुस्तक का रिव्यू देखने के लिए भी आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। यह है नेट जेआरएफ के लिए इतिहास की एक महत्वपूर्ण गाइड साथियों। आधुनिक विश्व का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास ये एक बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड है। इस पुस्तक के अंदर बड़ी जरूर है साथियों, लेकिन विश्व के इतिहास से संबंधित पूरी जानकारी आपको इस एक गाइड में मिल जाएगी। उसके बाद में साथियों कुछ RS के टॉपर्स नोट्स हमारे पास में और हैं, उनको भी यहाँ पर रिव्यू किया गया है। IAS के टॉपर्स नोट्स उनके बारे में भी, प्रत्येक नोट्स के बारे में जानकारी दी गई है कि किस किस नोट्स में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल है। अब साथियों ये जितने भी नोट्स हैं इनमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास सभी कवर किए गए हैं, उनका रिव्यू आप जरूर देख लीजिएगा साथियों। कला एवं संस्कृति दृष्टि IAS की ये एक महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक शामिल है वो देखने के लिए भी आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए। अब साथियों इन सब को पढ़ने के बाद में अगर आपको MCQs प्रैक्टिस करना है तो दृष्टि IAS के भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित एक महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, जिसके अंदर 2300 प्लस महत्वपूर्ण MCQs दिए गए हैं। लगभग 2500 प्लस MCQs इसमें दिए गए हैं इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित। और एक और महत्वपूर्ण गाइड साथियों जो कि दिशा पब्लिकेशन के, जिसके अंदर 10000 प्लस महत्वपूर्ण MCQs दिए गए बहुत ही विस्तार से, और 2021 का लेटेस्ट वर्जन है साथियों ये। इसको भी पढ़कर आप किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में साथियों एक और महत्वपूर्ण गाइड आती है जो कि किरण पब्लिकेशन की है, भारतीय इतिहास से संबंधित ये भी पुस्तक है, इसका रिव्यू किया जा चुका है। विश्व का इतिहास NCERT सार महेश कुमार वर्णवाल, इस पुस्तक का रिव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। ये भी इतिहास NCERT सार महेश कुमार वर्णवाल की है। और उसके बाद में साथियों ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है RS के टॉपर्स नोट्स, इनका भी रिव्यू किया जा चुका है। अब साथियों आप कमेंट बॉक्स में एक चीज़ ज़रूर बताइए, आप में से ल्यूसेंट कौन पढ़ता है, या फिर आपके पास में ल्यूसेंट किस किस के पास है। अब साथियों मैं आपको जानकारी देता हूँ इन नोट्स में आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। इससे पहले साथियों सामान्य ज्ञान की ये जो विवाह की पुस्तक है, ये भी NCERT पर आधारित है, काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, इसको भी आप ज़रूर पढ़िए। इस वीडियो के एंड में एक ऐसी महत्वपूर्ण रामबाण पुस्तक बताने वाला हूं, जो आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हो, तो आप उस गाइड को ज़रूर पढ़िए। अब साथियों ये जो राजस्थान स्टेट PCS से संबंधित है, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले साथियों मध्यकालीन भारत का इतिहास दिया गया, आधुनिक भारत का इतिहास है। उसके बाद में 1857 की क्रांति, राजस्थान में किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजा मंडल के बारे में जानकारी दी गई। राजस्थान का एकीकरण दिया गया साथियों। कला एवं संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई। राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में जानकारी दी गई है, लोक देवियों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। राजस्थान के लोक संत संप्रदाय, लोक गीत, लोक गायन की जो शैलियां हैं, संगीत घराने,
लोक नाट्य, इनके बारे में भी जानकारी दी गई। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में जानकारी दी गई है साथियों। इसमें चित्रकला, आधुनिक चित्रकला, हस्तकला, पुरातात्विक स्थल के बारे में जानकारी दी गई है। राजस्थान का साहित्य और उसके बाद में राजस्थान की प्रमुख जो बोलियां हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। महत्वपूर्ण किले और स्मारक के बारे में जानकारी इसमें दी गई है साथियों। और जिले और धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है उसके बाद में साथियों, आभूषण और वेशभूषा जो है राजस्थान की उसके बारे में जानकारी दी गई। राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले साथियों इन नोट्स को आप पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो इनका। और अब साथियों कमेंट बॉक्स में एक चीज़ ज़रूर लिखिएगा, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारी ऊर्जा का स्रोत आप हो जो इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हो। इससे ऊर्जा को बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। अपने दूसरे भाई बहन जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा साथियों। ये है आपके लिए सामान्य अध्ययन GS पेपर 1 2021 अरियंत पब्लिकेशन मनोहर पांडे की बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड है। बड़ी ज़रूर है साथियों, लेकिन सफलता भी आपको बहुत बड़ी दिलाने वाली है। इसका रिव्यू आप देख सकते हो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। अब साथियों आशा करता हूँ ये जितनी भी जानकारी दी गई है, इतिहास से संबंधित पुस्तकों का रिव्यू किया गया है और इन इतिहास की प्रत्येक पुस्तक में से आपके लिए बेस्ट पुस्तक कौन सी रहेगी ये आपका एग्ज़ाम बताएगा। और एग्ज़ाम के अंदर जो सिलेबस है वो बताएगा कि उस सिलेबस में आपके लिए बेस्ट पुस्तक कौन सी रहने वाली है। अगर आप हमसे जानना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई उम्मीद, नए जोश और नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।